बारिश के मौसम में कई तरह की शारीरिक परेशानियां होती हैं, जिनमें से एक है पैरों में दर्द की शिकायत। ये परेशानी अक्सर बारिश का पानी पैरों में लगने से और तेज हो जाती है, ऐसा ही कई लोग अनुभव करते हैं। बारिश के दिनों में गठिया रोग के मरीजों की तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। पैर दर्द होने के कारण चलने में परेशानी होती है, पैरों में सूजन, जलन, लालिमा, मरोड़ जैसे लक्षण महसूस होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बारिश के दिनों में मांसपेशी और पैरों के दर्द के कारण को आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। बारिश में पैर दर्द होने के पीछे कई कारण हैं। बारिश के दिनों में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, नमी के कारण पैरों में दर्द होता है। ऐसे में बारिश के पानी में भीगने से बचना चाहिए। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है उन्हें बारिश के दिनों में दर्द के कारण ज्यादा परेशानी होती है। बारिश के दिनों में डिहाइड्रेशन के कारण भी पैरों में दर्द बढ़ता है। बारिश में ठंडी हवा के कारण भी पैरों में दर्द हो सकता है। वहीं बारिश के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिनके संपर्क में आने के कारण भी पैर दर्द हो सकता है। बारिश में पैरों के दर्द को नजरअंदाज न करें, बल्कि बारिश के दिनों में पैर दर्द होने पर सबसे पहले पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें। चप्पल या जूते को भी धोकर ही अगली बार पहने। इसके बाद पैरों को सुखा लें और क्रीम या लोशन अप्लाई करें। पैरों में ठंडी हवा लगने से दर्द कम नहीं होगा, इसलिए कॉटन के मोजे पहन कर रखें। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बारिश के दिनों में पैर दर्द से जल्दी राहत मिलेगी। साथ ही आप नमक को तवे पर गर्म कर लें और एक पोटली में भरकर उससे पैरों की सेकाई करें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।